हाय फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि जियो टीवी पे आप कोई भी चैनल को कैसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जियो टीवी पे जाना होगा। जियो टीवी पे दोस्तों, जियो टीवी एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप कोई भी चैनल फ्री में देख सकते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास जियो का सिम है या नहीं, आप किसी भी नेटवर्क के थ्रू जुड़े रह सकते हैं और अपने मोबाइल पे जियो टीवी देख सकते हैं। जियो टीवी में एक्सेस करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास जियो का सिम हो। आप कोई भी आपके पास कोई भी हो, कोई भी सिम यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी सिम का नेट यूज़ कर रहे हो, आप किसी भी वाईफाई, किसी भी नेटवर्क का वाईफाई से जुड़े हों, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस जियो टीवी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एयरटेल से भी यूज़ किया है। मैं जनरली जियो से यूज़ करता हूँ। मैंने एयरटेल से भी यूज़ किया है और मैंने रिलायंस का भी नेट यूज़ किया है जियो टीवी चलाने में। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे फ्री के चैनल्स हैं, फ्री के बहुत सारे नहीं, सारे लगभग सारे चैनल फ्री के हैं। लगभग नहीं, हर चैनल फ्री का ही है। यहाँ पे जितने चैनल शो करता है हर चैनल फ्री का ही है। और साथ में यहाँ पे नॉर्मल चैनल के साथ साथ HD चैनल भी आपको मिलता है। आपको नॉर्मल चैनल और HD चैनल दोनों मिलता है। आप यहाँ पे दोनों देख सकते हैं, HD चैनल भी देख सकते हैं, वो भी फ्री में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सर्च करते हैं। आपको सर्च बॉक्स में जाना है और सर्च बॉक्स में लिखना है जो चैनल आप देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं डिस्कवरी देखना चाहता हूँ तो मैं डिस्कवरी लिखूँगा। देखिए आ गया डिस्कवरी, डे ऑफ डिस्कवरी आया ना। एक मिनट दोस्तों, डिस्कवरी देखिए, डिस्कवरी आया, आ गया था, यहाँ पे भी दिखा देगा। देखिए डिस्कवरी, तो डिस्कवरी का एक चैनल नहीं है डिस्कवरी। जैसे इसमें क्या है दोस्तों कि अगर डुअल लैंग्वेज का चैनल है, जैसे डिस्कवरी, डिस्कवरी में एक लैंग्वेज नहीं होता है, इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है और तेलुगु में भी होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपको डिस्कवरी इंग्लिश है, फिर डिस्कवरी ट्रूबो दिखा दिया, डिस्कवरी किड्स दिखा दिया, डिस्कवरी हिंदी, डिस्कवरी साइंस, डिस्कवरी चैनल ये दूसरे लैंग्वेज में है। तो इस तरह दोस्तों, आपको जो लैंग्वेज में देखना है आप वो लैंग्वेज में आपको जाना होगा। जैसे मैं हिंदी में देखना चाहता हूँ तो मैं हिंदी में डिस्कवरी में जाऊँगा तो यहाँ पे मैं दिखा देगा दोस्तों। इसमें इस ऐप का बहुत अच्छा फ़ायदा ये है दोस्तों, इस ऐप में फ़ायदा ये है कि आप 7 दिन पीछे तक के प्रोग्राम देख सकते हैं। कोई मतलब कोई कोई चैनल है जिसमें आप जिसका प्रोग्राम आप केवल लाइव ही देख सकते हैं, और लेकिन बहुत सारा चैनल है, लगभग हर चैनल है जिसमें आप 7 दिन पीछे तक का प्रोग्राम देख सकते हैं। जैसे DD नेशनल चैनल है जिसमें आप पीछे के प्रोग्राम नहीं देख सकते हैं, उसमें आप केवल लाइव प्रोग्राम ही देख सकते हैं, उसमें पीछे का प्रोग्राम देखने का ऑप्शन नहीं देता है दोस्तों। अब बाकी उसके अलावा जितना भी प्रोग्राम है आप पीछे के देख सकते हैं। जैसे कि इसमें, जैसे मैं इस पर टाइप किया हूँ तो ये प्रोग्राम और भी पास्ट में जो दे चुका है वो सारा प्रोग्राम आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ व्यू ऑल दे रहा है। जैसे ही मैं व्यू ऑल में करूँगा तो देखिए दोस्तों, ये 7 दिन में, पिछले 7 दिन में जितना बार प्रोग्राम आया है ये सब प्रोग्राम वो आपको शो कर देगा। तो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देखिए। आप बड़ा स्क्रीन करना चाहते हैं तो यहाँ से बड़ा कर दीजिए। दोस्तों आप लाइव भी देखना चाहते हैं, अभी इस चैनल को, डिस्कवरी चैनल को लाइव देखना चाहते हैं तो आपको लाइव में क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लाइव में क्लिक करते हैं, अभी जो चल रहा है, अभी अभी करेंट में यही प्रोग्राम आपका चल रहा है, यही चल रहा है, आपका यही दिखेगा। जैसे आप स्क्रीन पे लॉक कर सकते हैं ताकि आपके स्क्रीन में इधर उधर टच हो तो इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। तो आप इसे ओपन कर सकते हैं, आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से बैकवर्ड कर सकते हैं, आप इधर पॉज कर सकते हैं, आप यहाँ से 30 सेकेंड फॉरवर्ड, 30 सेकेंड बैकवर्ड कर सकते हैं, यहाँ से साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप इस ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं न्यूज़ चैनल देखना चाहता हूं तो मैं यहां लिखूंगा न्यूज़, और यहां पर आ जाएगा न्यूज़, और फिर मैं सर्च करता हूं। सर्च करने के बाद आपको यहां पर सारे न्यूज़ चैनल्स दिखेंगे जैसे कि मुझे दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं और खोज सकते हैं। आप अपने न्यूज़ चैनल खोजिए आपको, जैसे मुझे न्यूज़ 24 पसंद है तो मैं न्यूज़ 24 पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इसे
लाइव देखूंगा, यहाँ पे लाइव प्रोग्राम में बच्ची कैसे की भी हत्या देख। और महिला से गैंगरेप मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोस्तों जैसा 29 कि आप मई को देख रहे मानेसर हैं, इलाके में 9 ये लाइव महीने चल की रहा है। बच्ची की सड़क पर फेंक कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उसकी माँ से गैंगरेप किया गया। अब पुलिस ने एक आरोपी तो को दोस्तों आप गिरफ्तार इस किया तरह है। से कोई भी चैनल को आप देख सकते हैं, और कोई भी चैनल नहीं आपका, जैसे कि कोई प्रोग्राम मिस हो गया तो आप यहाँ पे आके आप बैक में जाके देख सकते हैं आराम से। तो इस तरह से दोस्तों जियो टीवी जो है वो काफ़ी अच्छा चैनल है, काफ़ी बढ़िया चैनल है, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा चैनल है। मैं तो यहीं पे सारा प्रोग्राम देख लेता हूँ जो मुझे पसंद है, चाहे वो कोई भी चैनल हो। तो आप भी इसका उपयोग करिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा चैनल है। इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हैं, आप यहाँ से अपने लैंग्वेज दिखाता है, हिंदी लैंग्वेज का इतना सारा चैनल है, तो आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करिए कि आपको कौन से कैटेगरी का देखना है, आपको मूवीज़ देखना है, हिंदी का मूवीज़ देखना है तो आप मूवीज़ में चले जाइएगा। मूवीज़ में आपको यहाँ पर जितने भी मूवीज़ के चैनल हैं हिंदी में, आपको यहाँ पर सारे फिल्टर होके आ जाते हैं। इसी तरह दोस्तों आपको फेवरेट, यहाँ पे आपको जो दिल के आकार का जो दिख रहा है वो फेवरेट होता है, तो आप फेवरेट जो देखना चाहते हैं आप वहाँ पे इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जिसे जिसे फेवरेट चुन के अगर रखे हैं तो आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों मेरा एक भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं अगर ऑल कर देता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ, यहाँ मूवी कर देता हूँ, फिर यहाँ पर ऑल कर देता हूँ, उसके बाद मैं फेवरेट में जाता हूँ, तो मेरा जो फेवरेट चैनल है डिस्कवरी है मैंने करके रखा है। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका, चलिए ऑल में चलते हैं। ऑल में जाने के बाद क्या होता है कि आपको अगर HD चैनल ही देखना चाहते हैं तो सिर्फ HD में क्लिक कर दीजिए, आपको केवल और केवल HD चैनल ही दिखाई देंगे, जितने भी HD के चैनल है वही केवल दिखाई देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप जो चैनल को देखना चाहते हैं, जिस प्रकार से देखना चाहते हैं, अपने 7 दिन पीछे का चैनल तक, 7 दिन पीछे तक के प्रोग्राम को आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये ऐप काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बढ़िया है, तो इस प्रकार आप इस ऐप का पूरा पूरा उपयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।